नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पीछे राजनीति विज्ञान के अंदर न्याय अवधारणा के बारे में चर्चा की थी और आज भी हम न्याय अवधारणा के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो पीछे हमने प्लेटो के द्वारा जो प्राचीन समय के अंदर जो दिए गए न्याय से संबंधित जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का खंडन करते हुए और प्लेटो ने अपने न्याय से संबंधित जो विचार है वो दिए थे, जिसको मैंने आपको समझाया था। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का नाम है कार्य विशेषीकरण या अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मानवीय आत्मा के तीन गुण बताए थे और तीनों गुणों के अंदर विवेक है, साहस है और तृष्णा है। ये व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, तीनों के तीनों गुण व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन समान अनुपात में नहीं पाए जाते। किसी न किसी एक गुण की प्रधानता रहती है, बाकी गुण जो होते हैं वो गौण रहते हैं। जो गुण प्रधान है उसको उसी गुण के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, जिसके अंदर विवेक गुण की प्रधानता है उसके उसको राजा से संबंधित दार्शनिक वर्ग से संबंधित काम करने चाहिए। जिसमें साहस गुण की प्रधानता है उसको सैनिक वर्ग यानी रक्षा का काम करना चाहिए, और जिसमें तृष्णा गुण की प्रधानता है वो क्या करेगा, वो उत्पादन का काम करेगा। तो ये समान अनुपात में तो होते नहीं है, जिस गुण की प्रधानता ज़्यादा होती है उसी गुण के अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और जब व्यक्ति अपने अपने काम करते रहेंगे, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी जो दार्शनिक वर्ग है वो साहस वर्ग में हस्तक्षेप न करे, साहस वर्ग है वो क्या उत्पादक वर्ग में हस्तक्षेप न करे, यानी एक व्यक्ति को केवल अपना एक ही काम करना चाहिए जिस काम में वह विशेष रूप से क्या हो, निपुण हो। जैसे एक अध्यापक है, एक अध्यापक क्या करता है, अपने एक विशेष गुण यानी एक विशेष सब्जेक्ट को ही पढ़ाता है, तो वो उसका क्या है, विशेष गुण है। जब वह अपना विशेष सब्जेक्ट पढ़ाता रहेगा तो क्या होगा, न्याय की स्थापना हो जाएगी। और जब वह दूसरे विषय के साथ में क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। देखो, थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सारे सब्जेक्ट का ही होता है, लेकिन एक सब्जेक्ट क्या होता है, विशेष होता है। तो उसी प्रकार से प्लेटो के द्वारा कहा गया था भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और विशेष गुण के अनुसार व्यक्ति को काम करते रहना चाहिए, और जब ऐसा होगा तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। अब हम प्लेटो के द्वारा जो न्याय के प्रकार बताए गए थे, प्लेटो के न्याय के प्रकार, प्लेटो ने न्याय दो प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के बताए हैं, प्लेटो ने न्याय दो प्रकार के बताए हैं, जिसके अंतर्गत दो न्याय कौन कौन से हैं। नंबर एक है व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा बताया था जिसे बोलते हैं सामाजिक न्याय। ये दो प्रकार के न्याय बताए, यानी प्लेटो के द्वारा कितने प्रकार के न्याय बताए थे, दो प्रकार के न्याय बताए गए थे। एक तो था व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। देखो, ये वो न्याय नहीं है जो हम एक तो पीछे भी पढ़ चुके हैं, पांच प्रकार के जो न्याय पढ़े थे वो तो सामान्य अर्थ में न्याय के प्रकार हैं, वर्तमान में जो न्याय के प्रकार हैं वो हैं। लेकिन प्लेटो के समय, प्लेटो के द्वारा जो न्याय के प्रकार बताए गए थे, न्याय के जो रूप बताए गए थे वो दो बताए गए थे, एक तो व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय क्या होता है, व्यक्तिगत न्याय होता है कोई व्यक्ति अपने विशेष गुण के अनुसार कार्य करे तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, तो उसे हम बोलेंगे व्यक्तिगत न्याय। तो वो कौन सा न्याय कहलाएगा, वो व्यक्तिगत न्याय कहलाएगा। यानी सभी व्यक्ति है वो अपना अपना काम करे, भाई सीधी सी बात ही हो गई भी, सभी व्यक्ति
अपना अपना क्या करे, काम करे। जब सभी व्यक्ति अपना अपना काम करेंगे तो किसकी स्थापना होगी, न्याय की स्थापना होगी, और वो न्याय कहलाएगा कौन सा न्याय, व्यक्तिगत न्याय। इसी प्रकार से हम सामाजिक न्याय की चर्चा करेंगे और सामाजिक न्याय में ये होता है, जैसे कोई काम करने वाले हैं तो जिसमें जिस गुण की प्रधानता है, जैसे जैसे अपने विवेक है, तो जिन जिन व्यक्तियों में विवेक गुण की प्रधानता है उन व्यक्तियों का क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे साहस गुण की प्रधानता है तो इससे क्या बन जाता है, एक सैनिक वर्ग बन जाता है, और जिसमें तृष्णा गुण की प्रधानता है वो क्या बन जाता है, उत्पादक वर्ग बन जाता है, वर्ग बन जाता है। अब ये क्या है, ये विवेक वर्ग वाला एक अलग समाज हो गया, साहस वर्ग वाला है ये एक अलग समाज हो गया, और तृष्णा वर्ग वाला है ये क्या हो गया, एक अलग समाज हो गया। अब क्या है, ये जो तीनों प्रकार के जो समाज है वो क्या करे, संयोग के आधार पर सभी अपना अपना काम करे। ये तीनों हैं वो क्या करे, अपना अपना कार्य करे, अपना अपना कार्य करे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप भी ना करे। लेकिन जो आपस में जो वर्ग है वो, जैसे विवेक वर्ग वाले वो अपने संयोग से अपना अपना काम करे, ये अपना काम करे, ये अपना काम करे, और तीनों का भी क्या मिलता रहे, तालमेल मिलता रहे, एक वर्ग से दूसरे वर्ग को फायदा होता रहे। ऐसी जो विचारधारा है इससे क्या होगा, सामाजिक न्याय स्थापित होगा। तो ये कहा गया भी वर्ग समाज के अनुसार संयोग के आधार पर अपना अपना काम करे तो सामाजिक न्याय है, और व्यक्ति जो मैंने आपको एक व्यक्ति के अंदर जो गुण बताए हैं, तीन गुण होते हैं, और विशेष गुण के आधार पर अगर कोई काम करता है तो वो होगा उसका कौन सा न्याय, व्यक्तिगत न्याय। अब हम आगे देखते हैं न्याय के संबंध में, एक विद्वान है जिसका नाम है इबन स्टीन। इबन स्टीन के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी। इबन स्टीन ने क्या परिभाषा दी थी, कहा प्लेटो की प्रशंसा करते हुए इबन स्टीन ने कहा भी न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में सभी तत्व विद्यमान है। क्या कहा था इबन स्टीन ने, इबन स्टीन इस विद्वान के द्वारा कहा गया था प्लेटो के दर्शन में सभी राजनीतिक दर्शन के तत्व विद्यमान है। यानी जब हम प्लेटो की पुस्तक पढ़ते हैं, प्लेटो का जब चिंतन पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत जितने भी राजनीतिक विचार हैं प्लेटो के दर्शन में, सभी राजनीतिक दर्शन के तत्व विद्यमान है। जितनी भी राजनीति से संबंधित जो भी बातें होती है वो इस प्लेटो के द्वारा व्यक्त की गई थी, बात की गई थी। उसी प्रकार से एक विद्वान आया था जिसका नाम है फॉरेस्टर। क्या नाम है, फॉरेस्टर है, और फॉरेस्टर महोदय के द्वारा क्या कहा गया, एक बुक थी फॉरेस्टर महोदय की जिसका नाम था मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट। फॉरेस्टर महोदय की एक बुक है जिसका नाम है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट। इस पुस्तक के अंदर फॉरेस्टर महोदय के द्वारा भी क्या दी गई थी, परिभाषा दी गई थी, और क्या कहा था प्लेटो के संबंध में, ये कहा भी प्लेटो के सामाजिक न्याय का विचार वस्तुपरक है। इस पुस्तक में कहा प्लेटो का न्याय विचार वस्तु परक है, ये कहा गया फॉरेस्टर महोदय ने मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट इस पुस्तक के अंदर प्लेटो
के बारे में कहा भी प्लेटो का जो न्याय विचार जो है, प्लेटो के द्वारा जो न्याय विचार दिया गया है वो बिल्कुल क्या है, वस्तुपरक है, बिल्कुल वैकल्पिक है, इसको अपनाया जाता है, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। और प्लेटो के सिद्धांत को आर्किटेक्टोनिक थ्योरी, इस फॉरेस्टर ने जो प्लेटो का जो सिद्धांत है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को, न्याय सिद्धांत को फॉरेस्टर ने क्या कहा, आर्किटेक्टोनिक थ्योरी, या फिर इसको कह सकते हैं अपने रचना परकल्प सिद्धांत। तो फॉरेस्टर महोदय के द्वारा अपनी पुस्तक मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट में क्या कहा गया, प्लेटो का जो न्याय विचार है वो क्या है, वस्तुपरक है। आपसे पूछा जा सकता है भी प्लेटो के न्याय विचार को वस्तुपरक किस विद्वान के द्वारा कहा गया, तो किसके द्वारा कहा गया था, फॉरेस्टर के द्वारा कहा गया था। और प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आर्किटेक्टोनिक थ्योरी या रचना परकल्प सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया, तो फॉरेस्टर के द्वारा कहा गया था। और इबिनस्टीन ने कहा भी जो प्लेटो का जो दर्शन है उसमें सभी राजनीतिक तत्व क्या है, विद्यमान है। तो ये हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे वो न्याय के संबंध में अरस्तु की चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम जो न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे वो अरस्तु का पढ़ेंगे। और अरस्तु आपको पता है प्लेटो का ही क्या था, शिष्य था। तो हम देखते हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। आपको पता है इसकी जो बुक है, बुक अरस्तु मुद्दे जो हैं वो पॉलिटिक्स, जो इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स के नाम से क्या है, ये प्रसिद्ध हैं। बुक है कौन सी, पॉलिटिक्स, ये बुक है। और इस अरस्तु के द्वारा जो न्याय के जो विचार दिए गए थे वो अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में दिए। और क्या कहा, पॉलिटिक्स के अंदर अरस्तु मोदय के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी न्याय के संबंध में, और कहा था नेक कार्य का व्यवहार रूप में प्रकट होना। क्या कहा गया था, नेक कार्य का व्यवहार रूप में प्रकट होना प्रकट होना ही क्या है, न्याय है। यानी कोई भी अच्छा कार्य है, कोई भी जो उचित कार्य है वो व्यक्ति के व्यवहार से ही क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। व्यक्ति व्यवहार से ही अच्छा हो, कार्य करने की नीति उसकी क्या हो, अच्छी हो, कार्य क्या होना चाहिए, नेक होना चाहिए, उचित होना चाहिए, और वो अपने व्यवहार से ही उस कार्य को क्या कर दे, प्रकट कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, न्याय होगा। तो और क्या कहा, दूसरी परिभाषा दी, कहा सद्गुणों की अभिव्यक्ति ही क्या है, न्याय है। ये प्लेटो के द्वारा, सॉरी अरस्तु के द्वारा दूसरी परिभाषा दी गई थी। तो बात तो वही है, नेक कार्य कब होंगे, जब व्यक्ति में क्या होंगे, अच्छे गुण होंगे, सद्गुण होंगे, और इन सद्गुणों की क्या हो जाए, अभिव्यक्ति हो जाए। यानी सद्गुण है वो व्यक्ति के व्यवहार से अपना लिए जाए, जब वो विचार देता हो तो ऐसे विचार देते समय भी उसमें क्या होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। अगर व्यक्ति के विचारों में क्या हो, सद्गुण हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, न्याय होगा। अब बात आती है
न्याय का वितरण किस प्रकार से अरस्तु के द्वारा किया गया, न्याय के संबंध में विचार है वो कैसे दिए, तो अरस्तु ने कहा अन्याय तब उत्पन्न होगा, अन्याय तब उत्पन्न होगा जब समान के साथ में असमान व्यवहार किया जाए और असमान के साथ समान व्यवहार किया जाए, तो क्या होगा, अन्याय होगा। लेकिन न्याय कब होगा, समान के साथ समान व्यवहार किया जाए और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाए। यानी पॉलिटिक्स बुक में ही क्या कहा था भी, अन्याय अन्याय तब पैदा होगा जब असमान के साथ समान तथा समान के साथ असमान व्यवहार किया जाए तो अन्याय होगा। फिर कहा न्याय कब होगा, तो न्याय तब पैदा होगा जब समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार करना, ये क्या है, न्याय है। यानी अरस्तु के द्वारा कहा गया कि जब हम असमान के साथ समान का व्यवहार करेंगे और समान के साथ असमान का व्यवहार करेंगे तो अन्याय होगा, और समान के साथ जब समान का व्यवहार करेंगे और असमान के साथ असमान का व्यवहार करेंगे तो न्याय होगा। जैसे कि ये इस डेफिनेशन से क्या बनता है, ये बनता है भी अरस्तु मुद्दे वो क्या चाहता है, आरक्षण चाहता है। क्या चाहता है, आरक्षण चाहता है। कैसे, जैसे अन्याय तब उत्पन्न होगा असमान के साथ समान व्यवहार किया जाए और समान के साथ असमान व्यवहार किया जाए तो क्या होगा, अन्याय होगा। और न्याय कब होगा, जब समान के साथ समान व्यवहार किया जाए और असमान का साथ असमान व्यवहार किया जाए। कैसे, जैसे मान लो हमारे आरक्षण व्यवस्था के अंदर तीन कैटेगरी होती है, एक तो होती है जनरल, एक होती है ओबीसी, एक होती है एससी, एक होती है एसटी। क्या है, जनरल के जितने व्यक्ति हैं वो क्या है, अपने आप में समान है, तो इनके साथ क्या किया जाए, समान के साथ समान व्यवहार किया जाए। अब जनरल की अपेक्षा ओबीसी क्या है, असमान है, असमान है, तो इसको जो छूट दी गई है, एक तो इसके व्यक्तियों को जो छूट है, एक जो इसके व्यक्तियों को छूट है, तो यहां जैसे मेल है, मेल यानी व्यक्ति है, एक तो है जनरल का व्यक्ति, एक है ओबीसी का व्यक्ति, तो क्या होगा, दोनों व्यक्तियों के साथ में व्यक्ति जैसा व्यवहार किया जाए, लेकिन जनरल वर्ग का जो व्यक्ति है उसको अलग व्यवहार किया जाए और ओबीसी का जो व्यक्ति है उसके साथ अलग व्यवहार किया जाए तो क्या होगा, न्याय होगा। अर्थात समान के साथ तो समान व्यवहार किया जाए और दोनों असमान है तो असमान के साथ असमान जैसा व्यवहार किया जाए, ऐसी स्थिति क्या होगी, न्याय होगी। तो ये था प्लेटो का, सॉरी अरस्तु का जो न्याय विचार है। अब देखो अरस्तु के द्वारा जो न्याय के विचार दिया वो दिया गया था दो प्रकार का, तो अरस्तु ने दो प्रकार के न्याय बताए थे, एक तो था, दो प्रकार बताए न्याय के, एक तो था जिसमें बोलते हैं पूर्ण न्याय, या इसको बोलेंगे सामान्य न्याय, ये अरस्तु के न्याय के प्रकार हैं, और दूसरा है विशेष न्याय, और विशेष न्याय को जब हम आगे पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार आ जाएंगे जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब जो न्याय का जो पूर्ण न्याय है या सामान्य न्याय है और विशेष न्याय है, इसके अंतर्गत ये है भाई, जैसे विशेष न्याय के अंदर तो क्या होता है भी, इसमें जैसे भलाई सद्गुण का है वो एक विशेष न्याय है, आगे कल की क्लास में हम चर्चा करें।